चुके हैं, हम लुकअप फॉर्मूले करने वाले हैं। तो लुकअप फॉर्मूले का यूज क्यों होता है, चीज के लिए हम जानते हैं। लुकअप फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला हम किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी एक पार्टिकुलर नंबर की रिगार्डिंग कुछ वैल्यू को लुकअप करने के लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए इसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप अगर रोल नंबर, अगर आपने कहीं इस पे वेबसाइट पे जाते हो, अपना रोल नंबर डालते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपके रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से और भी चीजें जाके डालते हो तो आपको नई चीजें दिख जाती है आपको, जैसे कि रोल नंबर का गैलेंस डालना है, या फिर अकाउंट नंबर का गए, अकाउंट नंबर एंटर किया तो अकाउंट नंबर के रिगार्डिंग जो चीजें होती है वो आपको दिख जाती है। तो ये चीजें आपकी होती है वी लुकअप के माध्यम से। जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर यहां पर डले हुए हैं, ठीक है। फिर मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप का। वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और हम C21 पे चले जाते हैं और इस पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट सेकेंड टू दूसरी वैल्यू चाहिए, तो कॉमा 2 डाला, कॉमा 0। अब इनने आ रहा है क्योंकि 101 नंबर की वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है वो आपकी यहां पे इस तरह से एरर देगा, लेकिन जो अवेलेबल है उसकी रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ, इसने क्या किया कि इसने मनी को यहां पे सर्च किया, सर्च करने के बाद मनी इसको यहां मिला, सॉरी मनी इसने सर्च किया, किसको, मनी को नहीं, सॉरी थ्री नंबर नंबर को सर्च किया। जब थ्री नंबर सर्च करने के बाद उसको यहां मिला, और हमने बोला यहां पे कि तीसरे जब तुमको मनी मिल जाए तो उसका दूसरा कॉलम उठाना, तो इसने काउंट किया पहला एंड दूसरा और इसकी कॉलम यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे मुझे अगर P1 की सेल चाहिए तो मैं यहां पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करके और कॉमा। अब इसमें क्या चाहिए, P1 चाहिए, तो P1 किसके कॉलम पे है, 1 2 3, तो कॉमा 3 कॉमा 0। फिर इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया तो 1 2 3 देन 4 कॉमा 0 पूरा आ गया। देन वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया कॉमा 1 2 3 4 5। ऐसे नंबर्स आप लिखते चले जाओ आगे की तरफ। तो जैसे जैसे लिखोगे उस तरह से एक सेल में एक ही सेल की वैल्यू आएगी। आपको अगर 10 5 10 सेल है तो आपको 5 10 सेल की वैल्यू यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो इसे हर बार इस तरह से लगाने से बचने के लिए आप क्या करोगे कि आप बाकी सबको फ्रीज कर दो, डेटा को फ्रीज कर दो, फ्रीज को ड्रैग कर दो, उसके बाद इसके नंबर चेंज करते चले जाओ। 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आपने देखा कि काफी लंबा आपको करना पड़ा। अगर मुझे ऐसे ही 5 नंबर करना हुआ तो काफी दिक्कत, यहां इसको ड्रैग कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको करना पड़ा काफी दिक्कत पड़ेगा मैनुअली एक एक। तो उस केस में हमने देखा था कि लास्ट में हमने पढ़ा था एक कॉलम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। कॉलम क्या करता है कि किसी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूं तो उसका कॉलम नंबर देता है। अगर मैं इसी कॉलम को, अगर मैं कॉलम सिलेक्ट लिया और C21 पे गया और यहां पे सिलेक्ट कर दिया तो मुझे इसका यहां पे कॉलम नंबर बता दिया 2। तो मैं यहां पे जाऊंगा और जहां पे 2 आ रहा है ना, इसमें मैं कॉलम यूज कर सकता हूं क्योंकि तो वी लुकअप में वही तो चाहिए। तो मैं वी लुकअप यूज करता हूं, इसको सिलेक्ट किया, C21 पे गया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, कॉमा फॉर्मूला लगा कॉलन का, COLN कॉलन, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा 0 जो लगाते हैं, 0 किसके लिए होता है, एग्जैक्ट मैच करने के लिए। उसके बाद मैं फ्रीज कर देता हूं इसको, इसको F4 दबा के फ्रीज करता हूं।
बाकी इसको फीस करने की जरूरत नहीं है। और आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हो, एक ही बार में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब आपका डेटा ए से स्टार्ट नहीं होगा, तो बी से स्टार्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, एक सिक्वेंस में ना हो तो दिक्कत होगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम वी लुकअप लगाएंगे और एरे यूज कर सकते हैं। वी लुकअप के अंदर पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। जरूरी नहीं है कि इसको सीक्वेंस में लिखो, अपने अकॉर्डिंग भी आगे पीछे करके इसको लिख सकते हो। फिर कॉमा 0 कर दो, एंटर। आ गया आपके मनी। और फिर आगे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां तक आपको कॉपी पेस्ट करना है वहां तक सिलेक्ट करो, एफ टू प्रेस करो और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दोगे तो पूरा इस तरह से फैल जाएगा, आपका एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हेडिंग है वो उल्टा सीधा होता है और हर बार चेंज होते रहता है। ठीक है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। तो उस केस में अगर इस तरह इस मेथड को यूज करते काफी दिक्कत होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि आपके एक जो सेल है उस सेल को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ढूंढेगा और बताएगा कि ए सेल उस एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है, है तो उसका रो या फिर कॉलम नंबर क्या है। तो मैंने सर्च किया कि नेम हमारे इस एरिया के, इस डेटाबेस की, जो हमारा डेटाबेस है जो डेटाबेस है इस डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो कितने नंबर कॉलम पे, तो दो नंबर पे, तो पहला और दूसरा इसने यहां दिखा दिया, चाहे दो आ गया आपका। ठीक है। और वी लुकअप का भी इस टू पे यूज कर सकता हूं मैं। वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा और फिर यहां पे जो फॉर्मूला हमारा है इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 0 हो गया। अब इसको आगे ड्रा करने से पहले इसको फ्रीज कर देते हैं, हम बी एट को फ्रीज कर देते हैं, फिर इसको प्री फ्रीज कर देते हैं हम, फिर इसमें हम इसमें ए को फ्रीज कर देते हैं, फिर इसको फ्रीज कर देते हैं, फिर आपको बी सेवन, अब इस जो बी सेवन था इसके जगह पे हम इसका मैच का पूरा फॉर्मूला कॉपी करते हैं और फिर इसमें हम बी सेवन की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी और एंटर। फिर आगे की तरफ इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, तो आगे तरफ ड्रैग कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि किस किस तरह से होता है। कोई भी हेडिंग चेंज है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू, उसी की वैल्यू अकॉर्डिंग हमको वैल्यू देगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। मैं समझ में आ गया आपको। तो मैं अब प्रॉब्लम आएगी आपको कब, जो आपके पास डेटा आपका इकट्ठा नहीं होगा, जैसे कि ए आपका हमेशा वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, लेकिन आपका डेटा अगर मैंने मान लीजिए कि यहां पे है, यूनिक नंबर ये है, तो वी लुकअप इससे आगे की वैल्यू उठा लेगा बट पीछे की वैल्यू आपकी नहीं उठाएगा। तो उसके लिए कैसे करोगे आप, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैच और इंडेक्स को कंबाइन करके। मैं 102 को यहां पे लिखा, फिर यहां पे लगता हूं मैं, यहां पे मैच फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच बता देगा कि 102 जो है हमारे कितने नंबर रो पे है, इसने बता दिया 3 नंबर रो पे है। तो मैच लगा के, मैच इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी माफ कीजिए, मैच की इंडेक्स, इंडेक्स लगाया और हमने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा हमने बोला तीसरा नंबर रो और पहला नंबर कॉलम, नेम आ गया। सर ऐसे में हमें इंडेक्स लगाया, इसको सिलेक्ट, पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा तीसरा नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम, ऐसे 3-4 आगे हम कर लेंगे आ जाएगा। तो इसके बजाय हम इसके ऑफसेट से भी नजर कर सकते हैं कि ऑफसेट इसको सिलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ रोज हमने कॉमा 1 और कॉमा 0,
क्योंकि ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट करता है और मैच इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट करता है. तो इंडेक्स में जो चीज गया है उससे एक माइनस जुड़ के जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां से करेगा ये क्या करेगा कि यहां से 0 1 2 एंड 0, मतलब कि मुझे यहां पे लगाना हुआ तो यहां पे मैं लगाऊंगा ऑफसेट, इसको सेलेक्ट करूंगा कॉमा माइनस 1, 1 2 नहीं 1. तो क्या करेगा यहां से 0 1 2 0 1 इस तरह से आपको दिखा देगा. ठीक है तो जी, अब बारी आती है वी लुकअप की. हम वी लुकअप कब यूज करते हैं, जब देखिए अगर डेटा आपका इस तरीके से है तो आप वी लुकअप यूज कर सकते हो आसानी से. लेकिन डेटा का अगर एंगल चेंज हो गया, मतलब कि डेटा आपका ट्रांसपोज हो गया, अब मुझे यहां पे 5 नंबर का नेम चाहिए तो मुश्किल है, वी लुकअप तो कर ही नहीं सकता. तो यहां पे हम क्या करेंगे, एच लुकअप. एच लुकअप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इस डेटे को, हाँ संदीप जी क्या बोल रहे हैं, मैं ऑडिबल हूं आपको, हेलो एक मिनट मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, एक मिनट. हेलो सुन रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ मैं. हाँ जी एक्चुअली जो आपने ऑफसेट का फॉर्मूला बताया, इंडेक्स का फॉर्मूला बताया, उसके बारे में पता नहीं वो फंक्शन कैसे अप्लाई कैसे करता है वो, मैं बस वो. अरे सर आपकी मोबाइल, एक मिनट नोट कीजिए. ठीक है आगे बढ़े इसमें हम. हाँ बताता हूँ, अब वी लुकअप के अंदर हम लोग जीरो डालते हैं, जीरो डालते हैं, 0 1 0 1 डालते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होता है ना, एग्जैक्ट मैच. और तो चलिए इसकी एग्जांपल का समझते हैं. मेरे पास इस तरह का डेटा है और मुझे इस पे इंसेंटिव देने हैं, मतलब कि अगर 0 से 40 कोई करता है तो मैं 500 रुपए दूंगा, 41 से कोई 80 करता है तो 800 रुपए दूंगा, मान लो 1200 दूंगा, 81 से 100 करता है तो उसको मैं 2000 देगा, और जो ग्रेटर देन 100 है उसको मैं 5000 दूंगा. ठीक है अब मुझे यहां पे लिखने हैं, तो आपके लिए इसके लिए क्या किया था आपने, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया था, इसको हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं. 0 41 81 एंड 101 इस तरीके से लिख दो, सबका स्टार्टिंग पोजीशन आप यहां पे लिख दो, ठीक है सामने वैल्यू लिख दो. तो वी लुकअप के अंदर में जो हम वी लुकअप करते हैं, और वी लुकअप पे हम डेटा रेंज ए सिलेक्ट कर लेंगे यहां पे, और यहां पे जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल दिया क्योंकि दूसरा नंबर चाहिए, और यहां पे जो हम ट्रू एंड फॉल्स लिखते थे, अगर हम फॉल्स लिखते हैं इसका मतलब कि 55 एग्जैक्ट होगा तभी मैच करेगा, अगर हम ट्रू सेलेक्ट कर देते हैं या 1 लिख देते हैं क्योंकि ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0, तो ये क्या करता है कि देखेगा कि मैं 55 किसके बीच में फिट हो रहा है, तो 55 41 टू 81 के बीच में फिट हो रहा है तो 41 का डेटा शो कर देगा. शो कर दिया, आया समझ में आपको ये सब चीज, अजीत जी समझ में आया आपको, ये क्लियर है. ठीक है एक है इसी चीज को हम लुकअप के जरिए भी कर सकते हैं, लुकअप फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया. लुकअप में 3 यूनिट होती है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर किसके साथ मैच करना है, फिर आता है रिजल्ट वेक्टर कि किसका रिजल्ट क्या शो करना है.
ठीक है। डिफरेंस क्या है कि हम लुकअप के अंदर में मैनुअल वैल्यू भी फिट कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में एक कंडीशन देता हूं, फिर कॉमा, फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिजल्ट दे देता हूं। ठीक है, एंटर मारा और नीचे तक किया तो आपका रिजल्ट आ गया। समझ आया इसको? ये आपके वी लुकअप्स के एग्जांपल्स थे। अब चलिए वी लुकअप में कुछ और नई चीज और देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक नई सीट इंसर्ट करता हूं, कॉपी किया डेटा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरे सीट पे मेरा 10 से आ गया। तीसरे सीट में आ गए, इससे आ गया आपका डेटा। जो आपके पास मल्टी, हम जानते हैं कि एक वी लुकअप किसी एक सीट का ही डेटा लुकअप करके आपको देता है। अब मुझे इसमें क्या है कि मुझे इस तीनों सीट से डेटा चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, कि मुझे पास डेटा आया है और एक भी है, 10 भी है, एक भी है, 5 भी है, 15 भी है और 20 भी है और 30 भी है। तीनों सीट में से किसी सीट में डेटा हो सकता है, हमें पता नहीं कि तीनों सीट में डेटा किस सीट में होगा। तो उस केस में इसका यूज करेंगे, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप। हम तीन भी, पहले दो वी लुकअप लगाते हैं, तीन वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2,0। ठीक है, फिर दूसरा वी लुकअप लगा लिया मैंने, वी लुकअप दूसरे सीट से, कॉमा दूसरे सीट में गया 2,0। फिर तीसरा बिलुकअप तीसरे सीट से लगा लिया। ठीक है, फिर मैं यहां पे इफ एरर दिया कि इफ एरर, अगर पहली बिलुकअप एरर देता है तो दूसरी बिलुकअप यूज कर ले। फिर एक और इफ एरर देंगे इक्वल इफ एरर, अगर तीसरा, अगर मान लीजिए कि ये दोनों बिलुकअप एरर दे रहे हैं तो तीसरा दिखा दो। माफ कीजिएगा, मैं इफ एरर नहीं लगाया था इसमें। ऐसे फिर अगर नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट ऐसे नीचे लगेगा, ऐसे कंटिन्यूस आपके चलते जाएंगे। उसके बाद कॉपी करके एक सीट के अंदर मर्ज करते चले जाओ। फिर इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी एस्केप मारा और फिर मैं B3 पे पेस्ट कर दिया। फिर इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको D2 पे पेस्ट मार दिया। ये हो गया हमारा रिजल्ट। सॉरी, कट करके अभी इस तरह के मर्जिंग करो तो कंट्रोल X करके कंट्रोल B गया करो। हाँ, देखो ये फायर लगा दो इसके अंदर। तो मल्टी शीट वी लुकअप इसको बोलते हैं, जब आपका डेटा एक से मोर देन वन शीट पे हो तो इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, डाउट है? तो लुकअप रेफरेंसेस का फॉर्मूला आपका यही था जो मैंने बताया। अब इसके आगे स्टार्ट होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के दो क्लास होंगे, एक होगा बेसिक, दूसरा होगा एडवांस। तो अभी मैं बेसिक करा देता हूं, नेक्स्ट सैटरडे में आपको एडवांस करा दूंगा, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से कुछ और बचा नहीं था, सारा मैं करा दिया था आपको। इसमें एक RTD है जिसका यूज नहीं होता है, इसको नहीं कराऊंगा मैं। बचा है इसमें? नहीं नहीं लगभग वही क्या सब कुछ, ये सारा फॉर्मूला का पार्ट है ना। हाँ, बात आता है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है ABS का। ABS फॉर्मूला क्या करता है? अब्सोल्यूट नंबर अब्सोल्यूट करता है। जैसे कि माइनस, मैंने यहां पे 112 लिख दिया माइनस में, तो यहां पे मैं करूंगा ABS में तो प्लस हो जाएगा। माइनस को प्लस, मैं माइनस में नंबर है प्लस में नंबर हो, ये रिटर्न आपको प्लस ही करेगा। इसका यूज फाइनेंशियल फॉर्मूले में कर सकते हो,
रिपीट में आपको करके दिखाया था ये चीज मैंने, बस सही है। बाकी जगहों पे जब फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला क्या करता है, हमेशा रिटर्न करता है जीरो, ठीक है ना। सो माइनस रिटर्न करता है एवरी टाइम, एवरी फंक्शन को माइनस रिटर्न करता है, तो उस केस में प्लस में लाने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप। वही बहुत सारी यूजेज हैं जो आगे जब समझ में आ जाएगी आपको, फिलहाल तो समझो कि माइनस को प्लस में करता है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये बाकी जो फॉर्मूले मैथमेटिक्स में सीखने की जरूरत नहीं है, सेलिंग इंपॉर्टेंट है, एक कंबाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है ना पांच का ही मल्टीप्लाई लेके चलते हो आप, मतलब अगर किसी के 21 नंबर आया है तो 21 नहीं आएगा, 25 नंबर दोगे आप, या 10 का मल्टीप्लाई लेके चलते हो, या 15 का मल्टीप्लाई लेके चलते हो, या 100 का। सिंपल एग्जाम्पल ये समझो ना कि जब इससे पहले क्या था, जब पेपर पर सेकेंड प्लान नहीं था तो क्या था, जैसे आपके कॉल्स अगर 50 पैसे पर सेकेंड का है, भाई 50 पैसे पर मिनट है, अगर आपने एक सेकेंड बाद के फिर 50 पैसा कटेगा, 49 सेकेंड नहीं 50 पैसा कटेगा, जैसे आपका 61 सेकेंड हुआ क्या होगा, 1 रुपए कटेंगे। तो उसी तरह से अगर आपने यहाँ पे 60 लिखा, आपने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 60 शो करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे सेलिंग यूज करते हैं हम, सेलिंग कॉमा 60 का सिग्निफिकेंट। तो ये 59 तक 60 शो करेगा, 60 तक 60 शो करेगा, जैसे 60 से 61 आएगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है फ्लोर, कि फ्लोर क्या होता है कि इसी तरह काम करता है लेकिन डाउन करता है, जब तक कि 60 का पूरा नहीं होता है तब तक 120 नहीं दिखाएगा, आप इसमें 5 डालो 0 दिखाएगा, क्योंकि 60 जब तक पूरा नहीं तो 60 नहीं दिखाएगा, जब पूरा हो जाएगा तब दिखाएगा। नहीं ये होता है, इसका यूज होता है कॉस्टिंग में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। फ्लोर के बाद हमारे पास कॉम्बिन, जैसे मान लीजिए कि ये बे दिखाना होता है कि अगर तीन मान लीजिए कि तीन आपका एक डिपार्ट एक टोटल वैल्यू एक टोटल एम्प्लॉय 3 है और दो दो का ग्रुप बनाना है तो मैक्सिमम ग्रुप कितने बन सकते हैं, तो कॉम्बिन बताएगा कि मैक्सिमम ग्रुप कितने बन सकते हैं, नहीं 3 बनेगा। अगर 6 का है तो कितने बनेगा, 15 बनेगा। ये कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ना आपके ए है, चॉइसेस देता है ना बी एंड सी, तो कितने चॉइस बनेंगे, 3 बनेगा। आप ए भी उठा लो एक साथ, या बी सी उठा सकते हो आप, या फिर सी और ए उठा, ए और सी उठा सकते हो, या आप आई थिंक 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने चीज को, हाँ वही। हाँ फिर ये बाकी जो है अलग है, इवन क्या करता है, नेक्स्ट इवन नंबर दिखा देता है, जब आपने 15 डाला तो 16 इवन दिखा देगा। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल नंबर निकालता है, जैसे कि आपने 5 दिया और फिर फैक्ट के अंदर में रख दिया तो क्या करेगा कि इसका फैक्ट दिखा देगा, मतलब कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। अगर एक होता है फैक्ट डबल, फैक्ट डबल फैक्टोरियल के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसे हमने क्या डाला, इवन नंबर डाला है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 1, 2, 3 ये मल्टीप्लाई करेगा 2 × 4 × 5 × 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा 2 × 4 × 6। अगर मैंने 7 डाल दिया, 7 का इवन नंबर है तो हर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेगा 3 × 4 × 5 × 7। मतलब 100 तक ले लेते हैं, कैलकुलेट हो जाता है। हाँ 100 तक जो नंबर डालोगे वहां तक होगा। ओके ओके फाइव, शायद 100 डालो चाहे 500, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। फिर मैथमेटिक्स में आगे चलते हैं, फैक्ट के बाद फ्लोर बताया मैंने, जीसीडी, जीसीडी होता है कॉमन गेट क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, जो महत्तम बनाते थे हम लोग वही है। जैसे आपने 25 का और 20 का क्या आएगा, 20 20 20 5 आएगा ना,
25 का और 45 का क्या आएगा, 5 आएगा, 25 का और 60 का क्या आएगा, पांच ही आएगा। अगर 250 आप 10 का 10 आएगा, तो ये आपको कॉमन डिवाइडर निकाल के दिखाता है जीसीडी। फिर आता है आपका एलसीएम, एलसीएम क्या करता है, एनसीएम निकाल के दिखाता है। बच्चा मिला होता तो फिर क्या होता ना, कितने मेहनत करते थे मिलते, ठीक है। इंट, इंट एक अच्छी चीज है, इस पर पढ़ते हैं। चलिए इंट और राउंड के फॉर्मूले कुछ हैं, जैसे कि हमने ए डाला, अब इसके डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो हम क्या करेंगे, इंट लगा सकते हैं, इंट से आपका डेसिमल रिमूव हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से डेसिमल्स हटा देगा। लेकिन बोले सर इसके लिए तो हम राउंड अप यूज करते हैं, राउंड, राउंड डाउन या वगैरह, तो राउंड के अंदर में क्या होता है, आर राउंड के अंदर में क्या होता है कि आप कितने डिजिट को राउंड करना चाहते हो। मैंने एक कर दिया तो 3 जो है हमारा 4 बन गया, बन गया 4। किस में उठिएगा सर, हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राउंड क्या करता है, राउंड कर देता है। अगर मैं यहां पे 0 कर दू ना तो पूरा डेसिमल हटा देगा, लेकिन अगर होता है ना कि हमारे पास करके डेसिमल्स में 5-7 नंबर्स हैं, तो मुझे सिर्फ डेसिमल 2 चाहिए, तो ये आपको सिर्फ 2 डेसिमल दिखाएगा राउंड करके। 20 कर दिया मैं, 2 दिखाएगा, और ये आपका नीरेस्ट, क्योंकि 5 के बाद 8 था इसलिए आपका 6 हो गया। अगर 5 के बाद 4 होता तो 5 ही रहता। एक हमारे पास होता है राउंड अप, राउंड अप क्या करता है, हमेशा अपर वैल्यू दिखाता है आपका। एक होता है हमारा राउंड डाउन, जो हमेशा डेसिमल, इससे कह सकते हो कि पूरी तरह से डेसिमल, इंट और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ राउंड अप में चाहते हो कि नहीं 2 डिजिट राउंड हो गया है तो 6 नहीं करेगा, 4 ही रखेगा। अगर याद करना चाहो तो कुछ इस तरह जा सकते हो कि राउंड यूज होता है इंटरनली ट्रांसफर के लिए, राउंड अप यूज होता है जब पैसा किसी को देते हो, लेते हो किसी से, और राउंड डाउन जब पैसा किसी को देते हो, देते हो। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए मैं सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को अलग करने हैं, देखिए 12.36 हमारा है, इसमें से सिर्फ 0.36 अलग करने हैं, तो इसके लिए 2 चीजें हैं, एक आप इंट लगा सकते हो, ठीक है, और फिर दोनों को माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा लेफ्ट लगा लेंगे ना, हाँ क्या हुआ, लेफ्ट लगा लेंगे, माइनस होगा ना, हमें डेसिमल प्लेस अलग करना है ना, राइट लेफ्ट नहीं है, फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे, राइट लेफ्ट से सर टेक्स आता है। अब जरूरी थोड़ी कि 2 ही डेसिमल प्लेस होगा, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और राइट लेफ्ट में 0.36 नहीं आएगा, सिर्फ 36 आएगा क्योंकि नंबर है, ओके, तो इसका यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है एक मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला रिमाइंडर निकालता है, जैसे हमने लिख दिया ना एमओडी मोड, इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया, हाँ शेषफल निकालेगा, मतलब कि ए 5-12 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहां 12 है आपका, यहां आपका 5 है, 2 से डिवाइड हुआ 10 आया, 2 बच गया, अब ये 2 5 से छोटा है, ये शेषफल हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो डेसिमल से में आएंगे, तो ये कहलाता है आपका शेषफल। तो ये जो शेषफल कहलाता है यही आपका मोड निकालता है, मोडल वैल्यू, ठीक है। अब इसका बोलोगे सर इसके हम डेसिमल्स को कैसे अलग कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन वो डेसिमल्स, अगर वो नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हो आप डेसिमल्स में हुआ तब 1 से डिवाइड करोगे तो उसका मोड क्या आएगा, उसका डेसिमल प्लेस जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल प्लेस 0 आता है, पूरी पूरी भागफल होता है। 5.36 तो 1 से, तो आप मोड के जरिए हम इसे यूज कर सकते हो, तो मोड के जरिए भी इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें,
एक हमारे पास आता है एम राउंड मोड के बाद। जैसे आप मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ते होंगे कि मुझे वो संख्या बताओ जो 50 के नियरेस्ट है और 17 से डिवाइड हो जाए बिना दशमलव, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, दशमलव प्लेसेस में रिजल्ट में आए। तो इसके लिए आपका आएगा एम राउंड। एम राउंड का फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है। आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो उसे। सर एक बार एम राउंड वाला क्लियर कर दीजिए फिर से, क्लियर नहीं है सर। सर क्या है ना कि मुझे मेरे पास 50 गिफ्ट आए हैं, 17 लोगों में बांटना है। एग्जैक्ट तो बटेगा नहीं क्योंकि जब हम 50 को 17 को 50 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आ रहे हैं यस सर। क्या। तो मुझे एक बात जानना है कि यस सर। कितना नंबर मैं घटाऊं या बढ़ाऊं ताकि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, मैं कितने यस मुझे जरूरत है और कितना मुझे निकालने हैं। तो यस उसके लिए मैं यहां लिखूंगा एम राउंड 50 को 17 से। ये बता देगा कि अगर 51 होगा यस सर। तो 51 50 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, इसको 17 पूरा डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि मैं खाया तो एक जोड़ दूं या फिर 16 हटा दूं, यस सर। ये यस सर। इक्वली डिस्प्यूट होगा। तो एम राउंड इसका यूज होता है। और दिखाता है पाई, पाई का मान दिखाता है। पावर क्या करता है, जैसे मुझे 10 स्क्वायर लिखना है तो 10 एंड 2, तो 10 का 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 10 इसका स्क्वायर 2। अगर भाई टाइप करना हो तो इज इक्वल टू पावर करके। हाँ पावर के बाद हमारे पास प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। जैसे मैंने लिख दिया 10 2 मल्टीप्लाई 20 कर दिया, 23 60 हो गया, 120 हो गया। तो जितना नंबर डालोगे आपस में मल्टीप्लाई करते चला जाएगा। तो प्रोडक्ट इसके लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद रैंड, रैंड बिटवीन पता ही आपको, रैंड बिटवीन दो नंबरों के बीच का रैंडम नंबर निकालता है। और रैंड क्या करता है, रैंड बिटवीन की तरह ही काम करता है लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा दिखाता है। रोमन, रोमन क्या करता है, रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है। तो आपको रोमन, रोमन डाल दो, इसका रोमन नंबर में कन्वर्ट करते गए। लेकिन रोमन से नंबर नहीं होता है। ठीक है। राउंड 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 मैंने बता ही दिया। दो फिर आता है साइन, ये अलग है, ये तो अलग चीज होता है। ये होता है रिटर्न ऑन द सम ऑफ द पावर सीरीज ऑफ द बेस्ट ऑफ द फॉर्मूला, अलग होता है, ऐसी चीज नहीं है। ठीक, इसमें आइए साइन। ये साइन दिखाता है कि अगर आपका नंबर 0 में हुआ, मतलब कि नंबर अगर 0 हुआ तो 0 शो करेगा, नंबर अगर -1 हुआ तो -1, अगर नंबर +1 हुआ तो +1। जैसे मैंने यहां पे 0 डाला, 0 शो किया, यहां पे मैंने यहां पे शो कर दिया आपको -59, तो -1 शो हुआ। ये साइन ऑफ द नंबर कि नंबर निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या फिर कुछ नहीं है। हाँ इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, शाइन। फिर आपके पास आता है स्क्वायरटी, एसक्यूआरटी, रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, कि अगर मैंने 16 के स्क्वायर रूट चाहिए तो आपको स्क्वायर रूट समझते हो क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल का रिजल्ट क्या आएगा, 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। फीस में आता है स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई पाई। ये क्या करता है कि अगर मैंने इसमें नंबर डाला 16, तो 16 को पाई के मान से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका रिजल्ट, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, 3.14
से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका रिजल्ट निकालेगा आपका। टेबलेट फॉर्मूला में नहीं दिखेगा ना कोई, क्योंकि इसके अंदर हुआ ना सारा। पे आता है सब टोटल। सब लोग यूज क्यों करते हैं इसको दिखाता हूं। चलिए मान लीजिए कि मैंने यहां पे सम लगाया, ठीक है, सम लगाया। अब मैं इसको फिल्टर करता हूं। फिल्टर में अगर मैंने कविता का सिलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने मनी सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पे टोटल मनी का नहीं आ रहा है, ओवरऑल आ रहा है। तो अब मैं चाहता कि नहीं, मुझे सिर्फ टोटल आए किसका, किसी जो जो विजुअल है उसी का टोटल दिखाए, जो हिडन है उसका टोटल ना दिखाए। उसके लिए आप यूज करेगा सब टोटल। सब टोटल आप सब टोटल में सिर्फ सम ही नहीं कर सकते हैं, ये सारे चीजें कर सकते हैं, एवरेज, काउंट, काउंट मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट। तो मुझे करना है सम, तो मैं 9 लिख के कॉमा लिखूंगा। क्यों 9 लिखा मैंने, क्योंकि ये 9वें नंबर का यहां पर लिखा है सिंबल, इसलिए 9 हमने लिखा, 9 कॉमा, और पूरे चीज को सिलेक्ट कर लिया। एंड अब मैं यहां पे मनी सिलेक्ट करके ओके किया, यहां पे देखिए 370 आ गया, ठीक है, 383। तो ये सब टोटल आपका होता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का पार्ट वन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका आता है बाकी आपको सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट और एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। इलेवन के बाद 12 नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया होगा, ये तो उसने डिफाइन किया होगा। 12 की जगह कुछ और होगा, इसलिए नहीं किया होगा। कुछ होगा डिजिट का मेंशन होगा, इसलिए प्रोग्रामर ने अपना कुछ किया होगा पैकन में। प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने वाला कुछ भी कर सकता है। ये बताऊंगा इस तरह का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप खुद कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक क्लास खत्म करता हूँ सर। आप जो है नेक्स्ट सैटरडे को हम 5 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, और इस बार छुट्टी नहीं होगी क्योंकि मुझे भी आपका मेरी क्लासेस